how to prepare NCRTs. So briefly, let me tell you here itself. Those who are preparing or started the preparation just now, NCRT is very important for them, for everyone basically. NCRT built foundation for this, you know, exam preparation. It is given in very simple lucid language. जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादा आपके डाउट्स नहीं आते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी ये इम्पॉर्टेंट है. अब कैसे पढ़ना है? फर्स्ट यू शुड रीड 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज ऑफ जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, or science simply we can say, and thereafter 9th and 10th economics, civics, environment. अगर separate होता है तो ठीक है, but economics and civics का तो है ही. Thereafter you should read 11th and 12th standard NCERT. ओके, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी. अब वो कौन से सब्जेक्ट के पढ़ने हैं आपको? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कुछ चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है? जैसे एनवायरमेंट के लिए जो है, बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 12th स्टैंडर्ड लास्ट 4 चैप्टर्स. 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, दे आर रिलेटिंग टू एनवायरमेंट सेक्शन, तो ये पढ़ना चाहिए हमने. फिर उसके बाद में अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें जो 12th स्टैंडर्ड के जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पढ़ना चाहिए, माइक्रो वाला नहीं पढ़ना है. कौन सा पढ़ना है? मैक्रो वाला. दो है उसमें एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड के, 11th का भी पढ़ना है, बट 12th स्टैंडर्ड में जो है माइक्रो वाला नहीं पढ़ना है, मैक्रो वाला पढ़ना है. 11th स्टैंडर्ड का एक ही एनसीईआरटी इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, तो वो तो बेसिक्स देता है, तो यू शुड रीड दैट. बट दिस इज टेक्निकल, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है? सो यू शुड रीड दिस. देन पॉलिटी का जो है 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत शुरू ही नहीं करना चाहिए. पहले आपने ये पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एवरीवन, ठीक है? सो आई गेस नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डील विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. साइंस एंड टेक का 10th तक ही पढ़ना है, क्योंकि 11th 12th इज टू टेक्निकल, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? तो साइंस एंड टेक का उतना लिमिट करना है, बायोलॉजी का ये पढ़ना है, और 11th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी है, उसमें से एक चैप्टर है, उसमें मैं नाम बताता हूँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो चैप्टर पढ़ना है हमें एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री बुक, ठीक है? सो सीक्वेंस में पढ़िए, 6 to 10 स्टैंडर्ड एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर 11th to 12th को हाथ में ले गए, फिर रेफरेंस बुक आएंगे. Okay, fine. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.